हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। बेटा इसमें आपको बोला गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू कॉन्वर्स ऑफ एक्स। यहां पे आपको जो पैराबोला है उसी की इक्वेशन दी गई है। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो वो है आपके पास y is equal to x square, तो बोलेंगे आप x square is equal to y, ओके। और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है बेटा, वो है आपके पास y is equal to modulus of x। अब यहाँ पे आपके पास दो लाइन आ जाएंगी, एक तो y is equal to x आ जाएगी और एक y is equal to minus x। x कब होगी, जब x greater than equal to 0 होगा, फिर ये माइनस होगा जब x less than equal to 0 होगा। तो चलिए हमारे पास जो पैराबोला है x एक्सिस को टच करेगा ये आ जाएगा, ओके बेटा। अब लाइन है, यहां से हम इस लाइन के पॉइंट ले लेते हैं, ओके। तो ये है हमारे पास y is equal to x, x y अगर 0 लिया 0, 1 लिया 1, तो दूसरी लाइन में हमारे पास है y is equal to minus x। तो यहां पे भी अगर हम x और y है, x अगर हम 0 लेते हैं 0, 1 लेते हैं यहाँ पे 1 लेंगे तो माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट कुछ आ जाएंगे ऐसे, यहाँ से 0 0 है एक और दूसरा आ जाएगा 1 1, तो ये पॉइंट ले लेते हैं 1 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये लाइन बन जाएगी, ओके। दूसरा है हमारे पास 0 और माइनस 1, तो ये 1 ये माइनस 1 है, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको स्टेट कर लो, ओके। ये आ गया आपके पास लाइन, ये आ गया y is equal to माइनस x और ये आ गया y is equal to x, और ये पैराबोला की इक्वेशन आपके पास वो है x square is equal to y, ओके। चलिए अब हमें बोला गया है एरिया, हमें बोला गया है बेटा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो हमारे पास एरिया जो आया बाउंडेड बाय द कर्व वो ये वाला आया, ओके। एक ये आया, अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे लाइन के तो ये आ गई है वैसे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, ओके। तो आप लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे हमारे पास y डालेंगे यहाँ पे x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x, x square minus x is equal to 0, x common, x minus 1 is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to 1, तो ये पॉइंट आ गए। अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो y is equal to 0, y is equal to 1, अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y minus 1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यही पॉइंट आ गए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस वन और वन, ओके। अगर यहाँ पे आप क्या रखते हैं, वन रखते हैं तो वाई माइनस वन भी आ रहा है हमारे पास, ओके। यहाँ पे वन आ रहा है, ठीक है। तो माइनस वन अब ये रहने दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास वन और वन, क्लियर बेटा। ये आगे इसी का एरिया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम इसी को क्या करेंगे, डबल कर लेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया सेम एरिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी एरिया को डबल कर लेंगे, ओके बेटा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एरिया ऑफ लाइन एंड एक्सिस माइनस एरिया ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, माइनस
ग्राफ पैराबोला एंड एक्स एक्सिस एरिया बाउंडेड बाय बाउंडेड लिमिट आ जाएगी 0 to 1 जीरो टू वन आ जाएगा बेटा वाई डी एक्स माइनस 0 to 1 वाई डी एक्स। अब हमारे पास है 0 to 1 वाई, हमारे पास लाइन का क्या है एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करेंगे डबल करेंगे इसको एरिया को ये देख लीजिए ये एरिया आ गया।